तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकेंड वीडियो आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक ये समझा था कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं वो यूनिट्स होते हैं। मास के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स, मतलब मास को मेजर करने के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि किलोग्राम, पाउंड, ग्राम, ओके। सेम जब लोग लेंथ मेजर करते हैं तो हमारे पास अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, इंच, फुट। हम लोग अगर जब टाइम मेजर करते हैं तो हमारे पास बच्चों अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि सेकेंड्स, आवर्स, मिनट। तो हमारे पास बच्चों डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ यूनिट होता है हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। लेकिन हम लोग कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज होते थे जो उस टाइम पर उन्होंने पर्टिकुलर सिस्टम को चलाया था अपने देश में, पर्टिकुलर सेट्स ऑफ यूनिट्स को, ठीक है, पर्टिकुलर सेट्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स को। तो हम वो अलग अलग जो भी सिस्टम से उसके बारे में समझेंगे, और उसके बाद हम लोग एक ऐसा सिस्टम समझेंगे जो कि यूनिवर्सली, इंटरनेशनली हर जगह एक्सेप्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिस्टम से। जो सबसे पहला सिस्टम है बच्चों वो है CGS सिस्टम, ओके, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। बच्चों ये जो सिस्टम है ये कौन से कंट्री में आया था, ये सबसे पहले कौन सी कंट्री में आया था, इसका ओरिजिन है फ्रांस में। इसका ओरिजिन कौन सा कंट्री है, फ्रांस में, ओके। और इसको हम लोग, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इसको हम लोग गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है बच्चों। इसके अंदर आप लोग समझना ये क्या है, सी, मैं अच्छे से देता हूं, सी जी एस। बच्चों सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ये यहां पर फंडामेंटल यूनिट थी किसकी, लेंथ की, किसकी, सेंटीमीटर। ये किसकी यूनिट है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट लेंथ की, ओके। यहां पर जो जी है, जी स्टैंड फॉर ग्राम, जी स्टैंड फॉर ग्राम, ओके, ग्राम। तो ये जो है ग्राम, ये फंडामेंटल यूनिट है किसकी, ये जो ग्राम है बच्चों फंडामेंटल यूनिट है किसकी, किसकी, ये फंडामेंटल यूनिट है मास की। और एस स्टैंड फॉर बच्चों सेकेंड, ये जो एस है ये किसकी यूनिट है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट टाइम की। तो आपको याद रखना है जो सबसे पहला जो सिस्टम आया था किसी कंट्री के अंदर, दैट वॉज सीजीएस सिस्टम, जिसके अंदर, और इस कंट्री का नाम है फ्रांस, ओके, जिसके अंदर हम लोगों के पास तीन स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स थे, सी जी एस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो बच्चों ये तो हमारे पहले सिस्टम की बात हो गई। उसके बाद जो दूसरा जो सिस्टम आया वो हम लोग देखते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है। जो दूसरा जो सिस्टम आया उसका नाम था MKS सिस्टम। क्या नाम था बच्चों, MKS सिस्टम, ठीक है। अभी देखिएगा आप लोग अच्छे से समझना कि MKS सिस्टम का कंट्री कौन सा था, ओरिजिन, बच्चों इसका ओरिजिन था फ्रांस इटसेल्फ, ठीक है। ये फ्रांस में बाद में आया था, सीजीएस के बाद में, ठीक है। और इसको, इस सिस्टम को, इट इज ऑल्सो नॉन एज, ऑल्सो नॉन एज फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो दो पॉइंट्स क्लियर है, सबसे पहले इस कंट्री का ओरिजिन था फ्रांस, और ये कौन सा सिस्टम उसको बोला जाता था, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला जाता था, ठीक है। अब इसके अंदर एम, तीन स्टैंडर्ड से एमकेएस फंडामेंटल यूनिट्स के लिए बच्चों, यहां पर एम स्टैंड फॉर मीटर, ओके, जो कि लेंथ की, लेंथ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट थी, के किलोग्राम, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास है उसकी यूनिट थी, और एस बच्चों सेम है प्रीवियस वन की तरह, जिसका नाम था सेकेंड, और ये टाइम जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है बच्चों, टाइम की,
ठीक है। तो यहां पर तीन जो सिस्टम थे MKS, उसमें M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, और तीसरा था जो सेकेंड। बच्चों जो तीसरा जो सबसे फेमस सिस्टम था दैट वॉज FPS सिस्टम, ये एक्चुअल में ब्रिटेन कंट्री लेकर आई थी, हम लोग तीसरे के बारे में जानते हैं। और ये सबसे ज्यादा इसका चलन था, क्यों आप लोगों को ये बात पता है हिस्ट्री में, क्योंकि जो ब्रिटेन कंट्री है उन्होंने इतने सारे देशों को ऊपर रूल करा था कि ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा फेमस था, जिसका नाम था बच्चों जो तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम था FPS सिस्टम। क्या नाम था बच्चों? FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, ठीक है, FPS सिस्टम। सबसे पहले आप लोग बोलोगे ओरिजिन क्या था इसका, तो ओरिजिन ब्रिटेन कंट्रीज, जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटेन लिख देता हूं, ये चार इंग्लैंड स्कॉटलैंड, ये तीन चार कंट्रीज हैं जिनके ग्रुप को हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है, वेल्स आता है उसके अंदर। तो इन कंट्रीज में ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये बहुत सारे जो भी कंट्री है जहां पे ये रूल करते थे वहां पर भी बच्चों ये सिस्टम चलता था। आज भी अगर आप लोग देखते हो तो कहीं कहीं पर हम लोग यूज करते हैं, मैं आपको बताता है। अब देखो ओरिजिन इसका ब्रिटेन था, इसको हम लोग इट इज ऑल्सो नॉन एज, इसको हम लोग किस नाम से जानते थे, ब्रिटेन या ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट इज ऑल्सो नॉन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अभी देखो बच्चों इसके अंदर तीन जो टर्म्स हैं, तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, दैट इज द फुट, ये किसकी यूनिट है बच्चों, ये है यूनिट लेंथ की, जो फंडामेंटल हमारा क्वांटिटी लेंथ उसकी यूनिट है फुट, यहां पर पी पाउंड, आपको बताया ना, आज भी आपको कभी जमीन मेजर करना होता है लेंथ, जमीन की लेंथ, तो हम लोग फुट ही यूज करते हैं। जो हमारे पहले के टाइम पर जो जमींदार होते थे, जो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट करे होते थे, वो लोग फुट ही यूज करते थे, ठीक है। मीटर स्क्वायर ये सब नहीं चलता था, या आज के टाइम पे एरिया हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करने लगे, पहले स्क्वायर फीट ही चलता था, ठीक है। तो बच्चों जो एफ है वो फुट के लिए स्टैंड करता है, और ये लेंथ की जो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है उसकी यूनिट है पाउंड। आज भी आप लोग बच्चों केक लेने जाते हो, या कोई बच्चा बेबी बॉर्न होता है, तो उसका वेट पाउंड्स में मेजर कराया जाता है, उसका मास पाउंड्स में मेजर कराया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है मास की यूनिट, फंडामेंटल जो ये क्वांटिटी है मास, उसकी यूनिट पाउंड है। तीसरा है बच्चों सेकेंड, ये क्या है बच्चों, किसकी है, ये हमारे पास टाइम की यूनिट है, किसकी यूनिट है बच्चों, टाइम की, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये उसकी यूनिट है। आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ आ गया होगा, ठीक है बच्चों। जो चौथा था, अब मैं लास्ट आपको जो सिस्टम बताने वाला हूं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग को आई थिंक ये क्लियर होगा, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग लास्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चलते हैं, ठीक है, ओके बच्चा, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो बच्चों लास्ट जो सिस्टम है यूनिट्स का वो है हमारा एसआई, ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट्स, ओके ओके। ये बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कैसे डिसाइड हुआ, 1971 में एक साइंटिस्टों की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, बच्चों क्या हुआ 1970 ईयर में साइंटिस्टों की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर किस पर, वेट्स जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, वेट्स एंड मेजरमेंट पर, ठीक है, और उन्होंने वेट्स एंड मेजरमेंट पर, ठीक है, तो उन्होंने एक सीरीज बनाई फंडामेंटल यूनिट्स की, जिसको बोला कि ये पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगी,
मतलब हमारे पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगी, ठीक है, हर जगह, ठीक है, हम लोग यूनिवर्स वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बेटर है ये बोल सकते हो कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगी, हर जगह इसका वैलिड होगा ये, ठीक है। तो ये हम लोग ने जनरल कॉन्फ्रेंस 1971 में बहुत सारे जिसमें साइंटिस्ट लोग मिलते हैं और एक सेट ऑफ यूनिट्स बनाते हैं, सेट्स ऑफ फंडामेंटल सेट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेते हैं और उसके अलग अलग यूनिट्स को सेट कर देते हैं जो कि हर जगह एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो उसमें बच्चों क्या था, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट थे, सेवन फंडामेंटल यूनिट्स थे, है ना, लिख देता हूं, प्लस टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे, ठीक है। तो बच्चों ये जो हुआ सेवन फंडामेंटल यूनिट्स और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, अभी हमें उसके बारे में देखना है, ठीक है। तो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स थे, ऊपर के जो उसमें तीन है बच्चों वो सिमिलर है एमकेएस से, मैं आपको सारे यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स बता देता हूं। हम लोग एक काम करते हैं, इसको थर्ड पार्ट में देख लेते हैं इसी सीरीज में, ओके, कि आप लोग का वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।